इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं प्योर पश्मीना नेचुरली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। मोदी सरकार के 9 सालों में 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीबी से बाहर निकलने वालों में टॉप 4 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2013-14 में भारत में गरीबी दर 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई है। यानी मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में गरीबी दर में 17.89% कमी आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 5.94, बिहार में 3.77, मध्य प्रदेश में 2.3, राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी से हटे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1.59 करोड़ और गुजरात में 89 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अलगाववादी आतंकी गुरपंत वंत सिंह पन्नू ने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गणतंत्र दिवस पर जान से मारने की धमकी दी। पंजाब के DGP ने कहा कि पन्नू ने गैंगस्टर से एकजुट होने और 26 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला करने का आग्रह किया। DGP ने आगे कहा कि राज्य पुलिस बल ने गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी सख्त एक्शन का पन्नू फायदा उठाना चाहता है और गैंगस्टर से हमदर्दी जता रहा है, इसलिए उसने गैंगस्टर को अपने साथ आने के लिए कहा। बता दें कि इससे पहले भी आतंकी पन्नू ने भारत को लेकर कई बार धमकी भरे वीडियो जारी कर चुका है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के एक और याचिका पर फैसला सुनाया। दरअसल हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में स्थित वजूखाने की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई। कोर्ट ने सफाई की अनुमति देते हुए कहा कि सफाई कार्य जिला अधिकारी के देखरेख में होना चाहिए। बता दें कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह को सील कर दी गई थी। भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी, संजय भंडारी और विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। समाचार एजेंसी NI के अनुसार रक्षा डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और विजय माल्या समेत भारत के वांछित भगौड़े कारोबारियों के प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए भारत की एक टीम जल्द ही ब्रिटेन के लिए रवाना होगी। इस टीम में CBI, AD और NIA के अधिकारी शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान ये टीम कानूनी सहायता संधि के तहत ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ लंबित सूचनाओं के लंबे समय से चले आ रहे आदान प्रदान के बारे में द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के दामोह में मोहन यादव सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की। इस कड़ी में कसाई मंडी में बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया गया। इसमें अवैध हड्डी गोदाम और स्लेटर हाउस थे। प्रशासन को लगातार कसाई मंडी में अवैध रूप से गौकशी और इलाके में बीफ बेचने की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर जांच की गई और पुलिस ने कसाई मंडी से करीब 4200 किलो से ज्यादा जानवरों की हड्डी जब्त की। इसके बाद इस मंडी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान SDM दामोह RL बागरी, एडिशनल SP संदीप मिश्रा, SSP अभिषेक तिवारी समेत पुलिस प्रशासन का पूरा अमला मौजूद रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। आहूजा सन्स की पश्मीना शॉलें, प्योर पश्मीना नेचुरली। आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों नोटिस के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 16 जनवरी यानी आज ही जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि अगर तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो आर्थिक दंड समेत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों के रनवे के पास खाना खाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल आधी रात को मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ बैठक, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की और उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा के सरकार में किए गए विकास कार्यों पर जनता को संबोधित किया। साथ ही पहले की सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भारत के बारे में धारणा थी कि यह एक कमजोर और गरीबों का देश है, पर आज आप किसी भी देश में चले जाएं, भारत को कमजोर देश के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि आज भारत को एक मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में देखा जाता है। आगे विकसित भारत यात्रा को लेकर उन्होंने कहा
कि भाजपा देश भर के प्रदेशों में इस यात्रा के माध्यम से यह बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान देश के लोगों के लिए बेहतर योजनाएं चलाएं जिसका लाभ प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंचा है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया को धमकी दी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभियान से आक्रोशित तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के संविधान में संशोधन की बात कही है। दरअसल उत्तर कोरिया के संविधान में जिक्र है कि दुश्मन देश के साथ भी बेहतर रिश्ते बनाए जाएं। प्योंगयांग में आयोजित 14वें सुप्रीम पीपल्स असेंबली के 10वें सत्र के दौरान किम जोंग ने कहा कि सरकार उन एजेंसी को भी निरस्त कर रही है जिसे दक्षिण कोरिया के साथ बेहतर संबंध बनाने का काम दिया गया था। किम ने आगे कहा कि दोनों देश युद्ध में फंसे हुए हैं, वहीं दक्षिण कोरिया को कूटनीति में भागीदारी बांधना एक गंभीर गलती होगी। ईरान ने इराकी सीमा में घुसकर मुसाद के मुख्यालय पर मिसाइल दागे जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गार्ड्स ने सीरिया में भी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमला किया। हाल ही में ईरान में बम धमाका हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ईरान ने इसराइल पर हमले का आरोप लगाया था जिसके जवाब में ईरान में मुसाद के मुख्यालय पर यह हमला किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बीजेपी में वापस लौटे घोसी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी की ओर से जारी की गई चिट्ठी में लिखा गया कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान परिषद के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि विधान परिषद की सीट पर 18 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है।